नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। कमलेश यादव हाई प्रोफाइल हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यादव महासभा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। मुकेश यादव ने कहा है कि कमलेश यादव की नृशंस हत्या की गई है, ये सामूहिक हत्या है, अर्थात इस हत्या में कई लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस अब तक दोषियों को उजागर क्यों नहीं कर रही है। एडवोकेट मुकेश यादव ने कहा है कि पुलिस को शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी अनुरोध किया है कि इस मामले का जल्द से जल्द पुलिस से खुलासा करने के लिए कहा जाए। एडवोकेट मुकेश का कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस पर भारी दबाव है, उसी दबाव के चलते पुलिस हत्यारों का खुलासा नहीं कर रही है। अगर पुलिस हत्यारों का खुलासा नहीं करती है तो झांसी और दतिया के यादव समाज के लोग चुनाव आयोग से अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दोषी कोई भी हो, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, उसको प्रशासन को सामने लाना ही पड़ेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस निर्दोषों को बुलाकर बैठा रही है और दोषी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आइए सुनते हैं यादव महासभा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश यादव का एक बड़ा बयान। आपका नाम सर? मैं मुकेश यादव, एडवोकेट दतिया, जिलाध्यक्ष यादव महासभा। सर, आप कमलेश यादव को जानते थे? कमलेश यादव हमारे सजाती बंधु थे, हमारे रिश्तेदार हैं और सारी समाज ही हमारे घर की परिवार की तरह हैं। ये बड़ा निर्दयी हत्या हुई है और ऐसी नृशंस हत्या के बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस पता नहीं क्यों गोलमाल कर रही है और जो दोषी है उनको उजागर नहीं कर रही है। आज हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश को ज्ञापन दिया और उनको निवेदन किया कि शीघ्र ही हमारे मध्य प्रदेश का लड़का जो गाँव से उनको उठा कर ले गए, MP से उठा के UP में मारा, यानी कि दोनों प्रदेश की पुलिस इसमें का कार्रवाई होना चाहिए। MP पुलिस भी उतनी ही कार्रवाई कर सकती है क्योंकि घटना स्थल उठाने का MP का है। तो हमने उनसे अनुरोध किया गृह मंत्री जी से कि MP पुलिस को भी उसमें जो भी उनके लोकेशन वगैरह जो भी CDR वगैरह निकलवाएं और दोषियों को स्पष्ट है उसमें निर्दयी हत्या की है तो उसको एक ने नहीं सामूहिक रूप से किए और जो भी दोषी है उनको दंडित किया जाए उनको किया जाए। और वैसे अगर कहानी आपके पास माध्यम में मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कहानी स्पष्ट है, पुलिस पता नहीं क्यों देर लगा रही है। अच्छा, आपको किस पे शक है? शक नहीं है, स्पष्ट है कि हत्या हुई है। किसने? नहीं, जितने भी आदमी मरा है अपने आप नहीं मरा है, अपने आप नहीं मरा है, मारा तो आदमियों ने ही होगा। बिल्कुल, और जिन आदमियों ने मारा है उनको पकड़ा जाए। हम लोगों को अगर ये पता होता अभी पकड़ लाते, फिर पुलिस काहे के लिए बनाई? अगर ये पता हमको होता है कि इनने मारा है तो हम उनको अभी पकड़वा देते। ये तो पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पे आपका क्या कहना? पुलिस का कहना है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं जांच कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन चले, पुलिस उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग समाज के लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि पुलिस पर इतना दबाव है, प्रेशर है, पता नहीं काय का है। जो भी है, हम लोगों ने 8 दिन का चेतावनी दी है, उसके बाद हम लोग जिले में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इसको उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के यादव समाज इकट्ठे होंगे। एक बहुत UP में चूंकि आचार संहिता लगी है इसलिए हम लोग अभी चुनाव आयोग से अनुमति लेके वहाँ भी धरना देंगे, दतिया में भी धरना देंगे और इसको बहुत बड़ा किसी ना कैसे भी कोई भी दोषी हो उसमें, चाहे इतना बड़ा आदमी हो, ईश्वर के अंधेर है, अंधेर नहीं है। आप किसी को सजा नहीं दे सकते मौत की, भले वो कोई भी आदमी हो। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि शीघ्र ही हमारे भाई की हत्या के दोषी पकड़े जाए, अन्यथा ईंट से ईंट बजा देंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यादव सारे एकत्रित होकर पूरा प्रशासन को बता देंगे कि हम हत्या के बाद आज 8 दिन होने वाले हैं और झूठे लोगों को पकड़ के बैठा रही है, जो दोषी है उनको नहीं पकड़ रही है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि शीघ्र ही पुलिस कप्तान झांसी और दतिया पुलिस कप्तान शीघ्र ही हमारे यादव समाज के युवा की जो हत्या हुई है शीघ्र से शीघ्र उसका निराकरण करें, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उनको बता देना चाहते हैं, हम लोग इतने कमजोर नहीं है ना बुजदिल है। आदेश ही बताइए, आपका नाम बताएं सर। मेरा नाम ब्रजेश यादव है। अच्छा। आप कमलेश यादव को कैसे जानते थे? वो काफी कबार हमारी से मुलाकात हुई है। अच्छा। कैसा व्यक्ति था उनका? बहुत अच्छा व्यक्ति था। अच्छा। और उसकी जो नृशंस हत्या हुई है ये तो निश्चित है कि हत्या हुई है, क्योंकि उसको और उसके हाथ में जो अंगूठी थी, जो जंजीर थी, वो जब हत्या के बाद वो सारी चीजें उसके जो जितने भी जेवरात थे उसके हाथ में वो गले में रहे, तो ये तो तय है कि लूट का मुकदमा नहीं है, हत्या की गई है और प्लानिंग से की गई है।
और मैं सभी यूपी प्रशासन और दतिया के प्रशासन से बिल्कुल निवेदन करूंगा कि उसका पर्दाफाश करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जल्द से जल्द अपराध का खुलासा हो, यही हमारा निवेदन।